नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर। और देव कॉमिक्स स्टोर से आया बहुत ही शानदार पार्सल, जो अभी गर्मी की छुट्टियां चालू हो रही हैं उसके लिए ये तो फर्स्ट क्लास बुक्स हैं। और अगर आप नहीं पढ़ते, अपने परिवार के बच्चों को या बड़े बूढ़ों को आप इसे ज़रूर गिफ्ट कीजिए, ये खरीद के लाइए और पढ़वाइए उनसे। ये क्लासिक चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी की कॉमिक्स हैं, जिन्हें रीपब्लिश किया है प्रांड्स ने और इसे मैंने प्राप्त किया है देव कॉमिक्स स्टोर से। चलिए देखते हैं इन प्रोडक्ट्स को। और इसमें है रमन, देन चाचा चौधरी, देन बिल्लू और स्टंट मैन, पिंकी की आइसक्रीम, गर्मी भी आ चुकी है, और चाचा चौधरी और गाजा। हालांकि कवर जो है वो पुराना नहीं है और कई फीडबैक भी लोगों ने दिए हैं निखिल प्राण जी को, जो सुपुत्र हैं कार्टूनिस्ट प्राण के, और उन्होंने फीडबैक को पॉजिटिवली लिया है। इस बार मूल्य भी काफ़ी कम है सेट का। चलिए शुरुआत करते हैं चाचा चौधरी और आज का रॉबिन हुड से। और ये कवर पुराना ही है जो यूज़ किया गया है, पीछे प्राण यूनिवर्स के दर्शन आपको हो जाते हैं। MRP इसका जो है वो 200 रुपये है, बट आपको ये पूरा पैक 650 के अराउंड मिल जाएगा। यहाँ पे कार्टूनिस्ट प्राण के बारे में कुछ जानकारी साझा की गई है, जो हमेशा होती है। और यहाँ पे कॉमिक बुक की शुरुआत हो रही है। प्रिंट काफ़ी अच्छा है, ग्लॉसी पेजेस हैं, और यहाँ पे प्राण्स के ऑफिस की जानकारी है और आज का रॉबिन हुड। और ये क्या बात है यार, इस पे रिकलरिंग की गई है, शायद वर्डिंग्स को भी सुधारा गया होगा जो मुझे लग रहा है ना। और साबू भी दिखाई पड़ रहा है, क्या सही है। ये बंदरों के देश वाली कहानी भी लगता आ गई है, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो खास खास जो स्ट्रिप्स हैं चाचा चौधरी की, आई थिंक उन्हें सम्मिलित किया गया है इस कॉमिक्स में, और पाठकों को पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पे कुछ रंग भरे प्रतियोगिता बच्चों के लिए भी है, काफ़ी अच्छी। देन वी हैव पिंकी और आइसक्रीम, क्या बात है, गर्मी आ चुकी है, आइसक्रीम की जो चाह है बच्चों से लेके बड़ों तक में होती है, और पिंकी भी इससे छूती नहीं है। और ये पिंकी की शायद नानी जी कुछ खोज रही हैं और पिंकी उनकी मदद कर रही है। पिंकी और धन्यवाद TV चैनल झपट जी दिख गए जो उनके नेबर हैं। कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी मुझे बैकग्राउंड में दिख रहे हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं, क्या बात है। और कलर्स भी अच्छे हैं, रीकलरिंग हुई है काफ़ी, समझ में आ रही है मुझे। हालांकि अगर ये प्लेन होते तो मुझे और पसंद आते। जो एक्चुअल जो ओरिजिनल कॉमिक स्ट्रिप थी फ्लैट कलर्स में, ज़्यादा बेहतर लगती। यहाँ पे पीछे थोड़ा सा इन्हें सुंदर बनाने की कोशिश की गई है इफ़ेक्ट्स और डिज़ाइन से, बट आई विल प्रेफर देम OG मतलब ओरिजिनल, है ना, तो मेरा ये मानना है। बट फिर भी आज के नए जनरेशन के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। अगली कॉमिक्स है बिल्लू और स्टंट मैन। तो ये काफ़ी कॉमन कॉमिक्स है जो आपको दिखाई पड़ती रहती है सेलेट्स के पास या सोशल मीडिया में। आज भी इसके प्रिंट्स उपलब्ध हैं, तो आप इन्हें किसी से भी मंगवा सकते हैं, आप इन्हें प्राण की वेबसाइट से भी जाके खरीद सकते हैं। इसमें पिंकी भी दिखाई पड़ रही है एक स्ट्रिप में मुझे, जोजी जो बिल्लू की गर्लफ्रेंड भी है, और ये टीन्स के लिए परफेक्ट बुक है बिल्लू की। और ये राका सीरीज़ की कॉमिक्स हैं, अक्सर लोग राका की कॉमिक्स को खोजते रहते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि प्राण जी राका की ये पूरी सीरीज़ पब्लिश करेंगे। 5 कॉमिक्स वो पहले ही कर चुके हैं, बाकी भी डेफिनेटली ऑन द रो होगी, पाइपलाइन में होगी, और जल्दी ही वो पाठकों के लिए उपलब्ध होगी। जो सबसे अच्छी बात, बेस्ट कॉमिक्स अगर मैं इस पैक की बोलूँ, वो है रमन और बारिश। रमन की कॉमिक्स है बहुत ही कम प्रिंट हुई हैं, इन्हें हमने अपने आर्टिकल में भी कवर किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रमन का दोस्त दिख रहा है खलीफा, और मुझे विश्वास है कि रमन और हम एक हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कॉमिक्स है रमन की, वो भी एक ना एक दिन निखिल जी ज़रूर प्रिंट करेंगे और हमें वो पढ़ने को प्राप्त होगी। और बहुत ही शानदार कहानी थी उसकी भी। और ये जो है ये कभी प्रिंट नहीं होती थी डायमंड कॉमिक्स, या होती होगी तो एक्सेस में नहीं थी लोगों के। बहुत सालों बाद इसे फिर से रीप्रिंट किया गया है, और रमन को पढ़ना बड़ा आनंद देता है क्योंकि ये कॉमन मैन है, जैसे RK लक्ष्मण का कॉमन मैन था, सेम वैसे ही ये भी एक कॉमन मैन है प्राण जी का, तो क्या बात है। बढ़िया स्ट्रिप्स है, लुक एंड फील अच्छा है, ये पसंद आने वाली है सभी को मुझे लगता है। अरे क्या बात है, राका का खेल का एक ऐड भी दे दिया पीछे, OG ऐड, ये मैगजीन्स वगैरह में बहुत पॉपुलर था और आता था, मुझे याद है प्राण यूनिवर्स। और सेट की अंतिम कॉमिक्स जो है यहाँ पे वो है गाजा, बट गाजा का जो ओरिजिनल कवर था वो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में डालने का, तो आप देखिएगा। उसमें एक बाबा जो हैं वो ज़मीन के अंदर घुसने की कोशिश करते रहते हैं, और चाचा चौधरी साबू साइड में उनको ताकते रहते हैं, या कुछ मतलब एक एक्शन में दिखाई पड़ते हैं। ये कुछ अलग कवर है एडिटेड बात का, जो डायमंड कॉमिक्स ने शायद कभी प्रिंट किया था। और
कहानी लेकिन अंदर गाज़ा की ही है। ये देखिए बिल्कुल वही कहानी है, ये गाज़ा दिख रहा है मुझे, बट कवर ओरिजिनल नहीं है। जो मेरी रिक्वेस्ट है निखिल जी से कि प्लीज़ आप ओरिजिनल कवर्स ट्राई करें लाने का, तो हम लोग बड़ा पसंद करेंगे इसे। और बाकी आपने फीडबैक्स बहुत प्यार से सुने और उसे अमल पे लाए, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कॉमिक्स इस बार बहुत अच्छी प्रिंट हुई हैं, राका सीरीज़ जो प्रिंट हुई थी उससे ये बेहतर है, और पेजेस अच्छे हैं, प्रिंट अच्छा है, और काफ़ी क्लियर जो टेक्स्ट है बहुत क्लियर है। और ये देखिए फ्लैट कलर, जैसे मैं बोल रहा था कि पिंकी में वो डिज़ाइन वगैरह डाले हैं, नहीं ये देखिए इसमें बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये चाहिए, ये फॉलो करिए और आनंद आ जाएगा हम लोगों को। तो बाकी हो सकता है नए ज़माने के कारण आज के लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए वो ट्राई किया है कुछ नया, बट आई विल प्रेफर दिस ऑलवेज, दिस इज़ द वंडरफुल प्रिंट एंड ये बहुत शानदार। ये देखिए साबू को गुस्सा आया और कहीं ज्वालामुखी फट गया, क्या बात है यार, गुड ओल्ड डेज। और चाचा चौधरी से बेहतर कुछ नहीं अगर आप पढ़ना चाहते हैं इन्हें, है ना। और डेफिनेटली आप इन्हें प्रांट्स के वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, देव कॉमिक्स स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं, जहां से आपकी इच्छा ये पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध है, तो आज ही ऑर्डर कीजिए और इन्हें अपने घर परिवार का हिस्सा बनाइए। फिर मुलाकात होगी आपसे फिर किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, कॉमिक्स बैठिया।